बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी अपने समर्थकों के साथ मारपीट और चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए आज एसपी कार्यालय बालोतरा के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। आज सुबह उन्होंने एक ट्वीट किया था, इसमें एसपी ऑफिस बालोतरा का घेराव करने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद आज दोपहर 1 बजे बाद भाटी एसपी कार्यालय पहुंचे तो उनके समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। वे एसपी ऑफिस के बाहर आए और समर्थकों से शांत रहने की अपील की। इसके बाद रविंद्र सिंह भाटी एसपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। दूसरी ओर बालोतरा एसपी कार्यालय के आगे सैकड़ों की संख्या में आरएसी और पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। फिलहाल रविंद्र सिंह भाटी का धरना जारी है। अब ये वर्दी की लाज न मत कम करो, ये वर्दी ना शर्मसार मत करो, हमारा निवेदन है आप सब पर। कल कई निर्दोषों ने जबरदस्ती तरीके बिना पक्षपात भेड़ो डिटेन करिया, कई सारा भाइयों ने और जबरदस्ती गिरफ्तार करिया, कई जगह पुलिस प्रशासन ने लोगों फूड कैप्चरिंग ने बिना सहयोग करो, कई सारा एजेंटा ने कई सारा कार्यकर्ता ने भेड़ी जबरदस्ती के लोगों द्वारा की गई। मैं कल 700 जगह फोन करिया, 700 फोन पूरा प्रशासन ने एक एक जगह नहीं बताई, देखो साहब ये जगह स्थितियां गड़बड़ हो सके, आप ये जगह पुख्ता व्यवस्था करो, पर वो टाइम भी बिना कहते हुए पड़े तो क्या कि प्रशासन गहरी नींद नहीं रहा, सुन करो गहरी नींद।